प्रदेश में मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है। अभी लोगों को तेज ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। छतरपुर के नौगांव में शनिवार को पारा शून्य के पास पहुंच गया। इतना ही नहीं, देश के सबसे ठंडे शहरों में नौगांव दूसरे नंबर पर रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज एक नया सिस्टम बन रहा है, जिससे सोमवार से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। वही 25 से ज्यादा जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही ग्वालियर समेत कई जिलों में पाला पड़ने की संभावना जताई गई है। एक दो दिन तो मौसम अभी भी ऐसे ही रहेगा, सर्दी रहेगी, लेकिन हाँ टेम्परेचर में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक WD है जो अभी 10 तारीख को एक्टिव होगा और 10 तारीख के आसपास में फिर टेम्परेचर थोड़ा बहुत मामूली सा परिवर्तन हो जाएगा, जो 1-2 डिग्री बढ़ने की संभावना है। हिमालयन रीजन है, उसमें तो बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है, जिस वजह से वहां जब WD आता है वहां पर बादल आते हैं, तो थोड़ा सा अपने यहाँ पर विंड डायरेक्शन भी बदल जाती है और हो सकता है थोड़ा बहुत क्लाउडिंग भी हो जाए, जिससे